देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है और स्वर जो है ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं। अब कुल स्वर हमारे 13 है। अगर प्रश्न हमारा ऐसा आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने, मतलब कौन से शब्द को फोकस करना है, हमें करना है कुल शब्द पर। अगर ये पूछा जाए कि कुल स्वर कितने हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। लेकिन अगर पूछा जाए कि माने गए स्वर कितने हैं तो 11। अब ये भी ध्यान रखना कि माने गए स्वरों में अयोगवाह, दो स्वर है जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है, एक अम और एक अह, अम और अह, ठीक है। आ के ऊपर अनुस्वार है और आ के पीछे विसर्ग है, क्लियर है। तो अम और अह जो है इन्हें हिंदी में कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इन्हें हिंदी में अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो दो वर्ण हैं ये ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन, ये ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन। इस कारण किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। क्या कहा है? अयोगवाह, क्लियर है। तो जब भी माने गए स्वर आएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुल स्वर में से दो अयोगवाह घटा देंगे, तो 13 में से दो चले जाएंगे, संख्या कितनी बची? 11। कितनी बची? 11। फिर क्या होगा? हमने कहा उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने, तो हमने कहा 10। अब 3 की कटौती हो रही है तो 2 तो हमने कौन से हटा दिए? अयोगवाह, और 1 हमने हटा दिया री। 1 किसको हटा दिया? री। री को क्यों हटा दिया? ऋषि नहीं, री, क्या बोलते हैं इसको? री। तो हमने एक री को हटा दिया। री को क्यों हटा दिया? क्योंकि इसे अर्ध स्वर माना जाता है। कैसा माना जाता है? अर्ध स्वर। तो इसे अर्ध स्वर माना जाता है। इस कारण से जब हम उच्चारण की दृष्टि से स्वर काउंट करते हैं तो इसे भी काउंट नहीं किया जाता। याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। कुल स्वर 13, माने गए में 2 की कटौती 11 और उच्चारण में 3 की कटौती 10, क्लियर है। जैसा आपसे प्रश्न बने वैसा उत्तर आपको देना है। ये तीनों उत्तर ही अपनी जगह पर सही हैं। कुल स्वर भी सही है, माने गए स्वर भी सही हैं और उच्चारण की दृष्टि से स्वर भी सही है। देखिए एसएससी करें सर, 2 मिनट। देखिए एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी पूछी जाती है वो बिल्कुल सामान्य स्तर की हिंदी है। अगर आपको थोड़ा बहुत व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, मतलब स्कूल लेवल पे आपने व्याकरण पढ़ी है, लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छा आपको व्याकरण का ज्ञान है, तो आपको क्या होगा, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पैराग्राफ आएंगे। मैं आपको बता दूँ एक तरीका, पैराग्राफ आएंगे। अब पैराग्राफ से ही क्या होगा, कुछ क्वेश्चन तो सीधे तौर पर बन जाएंगे जिनके आंसर पैराग्राफ में दिए हैं, लेकिन उन्हीं पैराग्राफ में से कोई शब्द उठा लिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है। उसी पैराग्राफ में से एक शब्द उठाया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। उसी में से ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये वर्ण कौन सा है, वर्णमाला का कौन सा वर्ण है, मतलब अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है या ये अयोगवाह है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी में से एक शब्द उठाया जाएगा और पर्यायवाची के रूप में पूछ लिया जाएगा, विलोम शब्द के रूप में पूछ लिया जाएगा, अनेकार्थी शब्द के रूप में पूछ लिया जाएगा। तो केवल आपको लगता है कि यार ये तो पैराग्राफ पूछता है और पैराग्राफ के आंसर तो वही दिए होते हैं, बिल्कुल दिए होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही प्रश्न होते हैं। बाकी जो आपके प्रश्न हल होते हैं वो व्याकरण के आधार पर होते हैं। जब आप हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, सामान्य से थोड़ा ऊपर का स्तर पढ़ते हैं, सामान्य स्तर कौन सा, जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है उससे थोड़ा ऊपर का स्तर पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका हिंदी का पार्ट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। आप 2-3 सालों के पेपर देखिएगा, ऐसे तो पैटर्न पिछले साल ही चेंज हुआ, तो 2-3 सालों का पैटर्न देखिएगा। इसी प्रकार के पैटर्न पे आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पैराग्राफ दिया जा रहा है, कुछ प्रश्न पैराग्राफ में से बन रहे हैं और बाकी वहाँ से कुछ शब्द उठाए जा रहे हैं और वहाँ से व्याकरण की शब्दावली के टाइप आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, एक शब्द दिया कि वहीं से उठाया और कहा कि वागदेवी, वागदेवी में बताइए कोई पैराग्राफ है, उसमें वागदेवी शब्द आया, कौन सा शब्द आया, वागदेवी। अब आपको शब्द आया वागदेवी कि बताइए वागदेवी में कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तो आप कहोगे वागदेवी मतलब वाग की देवी, वाक मतलब बोलना और बोलने की देवी कौन है, सरस्वती।
तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अरे तो बहुब्री समास है। तो कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ में प्रश्न आते हैं लेकिन उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न भी रहते हैं। मतलब आपको क्या व्याकरण पूरा पढ़ना है, हाँ सामान्य से थोड़े से ऊपर स्तर तक का व्याकरण आपको पूरा करना है। हमारे यहाँ पर 3 बजे से 7 बजे तक SSC GD की नई बैचेस शुरू हो चुकी है, तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र से शीघ्र ज्वाइन करें VS Academy उज्जैन।